बौद्ध दर्शन आज का हमारा विषय है। तो बौद्ध दर्शन के रचयिता सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन है, महात्मा बुद्ध। इनके इस जो दर्शन है उसके रचनाकार है। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शनों में माना जाता है इसकी गिनती। नास्तिक दर्शन का मतलब जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना रखे, वेद की सत्ता में विश्वास ना रखे, उसको नास्तिक ग्रंथ कहते हैं। तो ये नास्तिक की कैटेगरी में आता है। नास्तिक का मतलब निराशावादी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग इसको निराशावादी से देखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये आशावादी है, दुख की बात करता है, दुख के निवारण की बात करता है और क्षणिकवाद की बात करता है और मुक्ति की बात करता है। तो निश्चित रूप से ये आशावादी ग्रंथ है, तो निराशावादी बिल्कुल नहीं है। केवल नास्तिक, नास्तिक का केवल अर्थ है कि वेद और ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाला, आत्मा की सत्ता को न मानने वाले ग्रंथ हम नास्तिक दर्शन में रखते हैं। तो इसलिए महात्मा बुद्ध इनके रचयिता हुए, नास्तिक इसको कहा है। अब महात्मा बुद्ध के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है वो जो छठी ईस्वी ईसा पूर्व उनका जन्म माना जाता है, छठी ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, छठी ईसा पूर्व जो हिमालय की कपिल वस्तु नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ, जो कि हिमालय की तराई में एक स्थान है। तो वहां पे इनका स्थान हुआ, इस स्थान पे जन्म हुआ हिमालय की तराई में छठी ईसा पूर्व। और इनके जो पिता थे वो राजवंश थे, वो राजा थे। तो राजा के पुत्र ये थे और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनके पिता ने सोचा कि मेरे बेटे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसको जो संसार के जो दुख है वो छू भी ना पाए, इसलिए ऐशो आराम की, ऐश्वर्य की, सुख सुविधाओं की, सब चीजों को की संपन्नता इन्होंने कर दी थी और इसको कोई भी दुख तकलीफ ना हो, इसके जो ऐश्वर्य की जो व्यवस्था होती है वो संपूर्ण कर दी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इनका शुरू से ही वैराग्य भाव था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो कब पैदा हुआ, जब इनकी शादी कर दी, शादी के बाद इनका बेटा भी हुआ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल, एक बेटा इनको हुआ था। तो बेटा भी है, पत्नी भी है। उसके बाद भी इनको वैराग्य हुआ। और वैराग्य क्यों हुआ, वैराग्य का कारण भी कोई पूछ सकता है। तो वैराग्य का कारण था रोगी वृद्ध और मृतक, ये तीन चीजें इनके वैराग्य का कारण बनी। इन्होंने एक रोगी को देखा जो बहुत बीमार था, एक वृद्ध को देखा जो बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, एक मृतक को देखा, शमशान में किसी को मृतक को लेकर के जा रहे थे। तो इन तीन चीजों को देख करके इनके अंदर जो वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, और वो वैराग्य इतना वैराग्य हुआ कि ना पत्नी का प्रेम उसको खींच पाया और ना जो बेटा है उसकी पुत्रेषणा उसको खींच पाई, यानी कि बेटे की पुत्रेषणा भी उसको वैराग्य को नहीं रोक पाई और पत्नी का जो प्रेम था, जो आसक्ति थी, वो भी उसको नहीं रोक पाया। और जो राजमहल है, जो ऐश्वर्य की सुख सुविधाओं का जो उसकी जननी है, उसका जो देश है, जो राजा जो उसको बनना है, वो सारा राजपाट भी उसको वैराग्य से नहीं रोक पाया। और इन तीन चीजों के चलते उनको वैराग्य हुआ और वो इस पूरे संसार को दुख मान करके, दुख के निवारण की बात सोचने के लिए कि दुख का निवारण कैसे है, उसकी खोज में निकल पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, रोगी, वृद्ध और मृतक, ये तीन चीजों को देख करके उन्होंने वैराग्य का पालन हुआ। छठी शताब्दी में उसका ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ हिमालय की तराई में। नास्तिक दर्शन है महात्मा बुद्ध, इसके बौद्ध दर्शन, बचपन का नाम राहुल सिद्धार्थ, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम और राहुल उनके बेटे का नाम। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद कुछ चीजों की और हम इसमें बात करेंगे कि जिसमें हमने इनके जो जन्म है, जन्म से संबंधित बात होगी, राजवंश से संबंधित बात होगी। अब हम बात करेंगे इनके कुछ जो इनके सिद्धांत है, इसके बौद्ध दर्शन के जो कुछ सिद्धांत है उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम क्षणिकवाद,
दूसरा हम बात करें अनात्मवाद, तीसरी हम बात करें अनिश्वरवाद, तीन चीजों की मुख्य रूप से बात की गई है। क्षणिकवाद का अर्थ है कि यह संसार बिल्कुल क्षणभंगुर है, माने जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थाई नहीं है, तो इसका मतलब हो गया अस्थाई। दुख भी अस्थाई है, सुख भी अस्थाई है, तो किसी में आसक्ति नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। अनात्मवाद का मतलब आत्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है, आत्मा भी शरीर के साथ ही मर जाती है, आत्मा नहीं रहती। अनिश्वरवाद का मतलब है ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई इसमें इस कंसेप्ट को नहीं माना है। ईश्वर के कंसेप्ट को ना मानने के पीछे इनका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये है कि कार्य जो होता है वो कारण होता है, जैसे सांख्य दर्शन में कहा गया कि कार्य कारण रूप में पहले से विद्यमान होता है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा, जो प्रतीत समुपवाद है उसकी बात इन्होंने कही। पर इसका एक सेकंड में इसको प्रतीत समुपवाद, इसका अर्थ हम सांख्य से लेकर के देखेंगे। जो प्रतीत समुपवाद है, समुपवाद है, ये हुआ कि जो हो रहा है, जो घटना हो रही है, माने इसको हम ए माने और इसको बी माने, यानी कि ए के कारण बी की उत्पत्ति हुई है। तो ये है कि जो पहले जो एक चीज के घटने से दूसरी चीज की घटना घट रही है। अब इसको हम ऐसे मान लेंगे, सूर्य से उष्णता है या प्रकाश है, ठीक है, वैसे ही चंद्रमा से क्या मानेंगे, चंद्रमा से शीतलता की उत्पत्ति होती है। तो ये है कि एक चीज से दूसरी चीज की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इन्होंने अनिश्वरवाद, यानी कि परमात्मा का कहीं रोल नहीं है, इन्होंने कहा ईश्वर का कोई रोल नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसको प्रतीत समुपवाद की बात कही गई है। तो प्रतीत समुपवाद का मतलब है कि एक चीज के उत्पन्न होने से ही दूसरी चीज की उत्पत्ति होती है, यानी कि आप देखेंगे कि धन के आने से धनाढ्य हो जाता है और रोग के आने से व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो रोग आया तो दुख को साथ में लेकर के आया, धन आया तो खुशी को साथ में लेकर के आया। इसी प्रकार व्यक्ति को जब किसी चीज की प्राप्ति होती है, जब उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो वो जो कार्य की सफलता है उसको खुशी प्रदान करती है, यानी कि एक चीज के आने से दूसरी चीज हमें प्राप्त होती है। जैसे सूर्य के आने से उष्णता और प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार चंद्रमा के आने से शीतलता प्राप्त होती है, रात होने से अंधेरा हमें प्राप्त होता है, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए कहा कि ईश्वर का कोई रोल नहीं, सब अपने आप ही घट रहा है, और ना आत्मा का कोई रोल है, आत्मा भी मर जाती है शरीर के साथ, क्षणिकवाद यानी कि सब कुछ अस्थाई है, ना कोई परमानेंट कुछ नहीं है। तो इन बातों के ऊपर इनका पूरा दर्शन टिका हुआ है, पूरी जो बातें हैं वो पूरी इसी दर्शन के ऊपर है। अब हम बात करेंगे जो इसका सबसे मेन टॉपिक है, जो इसमें कहा गया है कि इसके बाद हम इसके संप्रदायों की भी बात करेंगे। इसके दो संप्रदाय हैं जो यही बात कर जाते, फिर चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की हम बात करेंगे। इनके हीनयान और महायान, दो प्रकार के संप्रदाय आज प्रचलित हैं। तो हीनयान जो है, हीनयान आपका श्रीलंका और बर्मा, यहां पे हीनयान को मानने वाले लोग रहते हैं। महायान को मानने वाले लोग चीन में रहते हैं, जापान में रहते हैं और कोरिया में रहते हैं। कोरिया, चीन, जापान में जो प्रचलन है इसका, वो महायान चीज को मानते हैं, और हीनयान में श्रीलंका, बर्मा आदि में माने जाते हैं। तो भारत में इसका मुख्य केंद्र है, भारत में दोनों संप्रदाय पाए जाते हैं, हीनयान भी और महायान भी। तो हीनयान क्या है, हीनयान वो लोग होते हैं जो केवल बौद्ध की शिक्षाओं के ऊपर चलते हैं, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उसी का एज इट इज पालन करते हैं, और वो क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद उन सबको मानते हैं। और जो महायान है वो इससे ठीक विपरीत है, उन्होंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप की है, यानी कि बात तो बौद्ध की ही मानते हैं, बौद्ध दर्शन की ही मानते हैं, परंतु वो ईश्वरवाद को भी मानते हैं कि ईश्वर भी है, और वो आत्मा की सत्ता को भी मानते हैं। तो मुख्य जो अंतर है महायान और हीनयान की,
वो यही है कि हीनयान केवल पूरा जो एज इट इज महात्मा बुद्ध को मानता है, महायान थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होने के कारण इसने ईश्वर को भी माना है और आत्मा को भी माना है, जबकि हीनयान ना ईश्वर को मानता है ना आत्मा को मानता है, लेकिन क्षणिकवाद को दोनों में ही माना है, ठीक है। और इनके देश बता दें कि यहाँ यहाँ पे ज्यादा है, और इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो आप देखेंगे जो उनको बौद्ध दर्शन का है, बौद्ध दर्शन में बुद्ध के नाम से ही बौद्ध दर्शन हुआ, तो बुद्ध का क्या अर्थ है और बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ। गया जो बिहार में जो स्थान है, इसलिए कालम भाई कह रहे थे, तो वहां पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है उसको बुद्ध कहते हैं, तो ये और जो बोधि का मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना, बोधि स्थान कहा गया ना गया में, जो जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधि स्थान कहा गया। तो बोधित्व कहे, बोधिस्तु कहे, बुद्ध कहे, ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मुख्य रूप से इनकी जो शिक्षाएं हैं, जो इसके ऊपर पूरा बेस्ड है, उसको हम चर्चा करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चार आर्य सत्य की। ये सबसे मेन है, इसकी जो शिक्षा है, इसका जो बेस है बौद्ध दर्शन का, चार आर्य सत्यों के ऊपर ही आधारित है। तो सबसे पहला क्या है, दुख। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध मार्ग। अब इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दुख की हम बात कर लेते हैं। दुख कहा है जो अविद्या से जनित है। अब दुख का मूल कारण कहा है, अविद्या को। अब योग दर्शन भी यही कहता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो क्लेश है उनकी जननी क्या है, अविद्या है। तो अविद्या ही दुख का कारण इन्होंने माना है। और योग दर्शन में क्या समानता है इसके साथ, योग दर्शन भी चार ही चीजें मानता है, हेतु हान हानोपाय, यानी दुख है दुख का कारण है, दुख का उपाय है, दुख के उपाय का मार्ग है। तो इस प्रकार के ये है। तो अविद्या दुखों का घर है। अब दुख क्या है ये जान लेते हैं। बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग दुख है रोग का आना, किसी प्रिय के साथ वियोग हो जाना, उसका छूट जाना, किसी जिसको हम पसंद नहीं करते उसके प्रति हमारा संयोग हो जाना, यानी कि जिसको पसंद करते हैं उसके साथ बिछड़ना, जिसको पसंद नहीं करते उसके साथ मिलना, बुढ़ापे का आना, रोग का आना, अभाव का आना, किसी प्रकार की विपदा का आना, ये सब दुख है। तो पूरा संसार दुख है और अविद्या, और दुख पूरा जो अविद्या है उसके ऊपर आधारित होते हैं। यानी कि जब यथार्थ ज्ञान नहीं होता, हम व्यक्ति जब कोई दुख आता है उसके प्रति हम द्वेष भावना रखते हैं, और सुख आता है उसके प्रति आसक्ति और राग रखते हैं, जबकि दोनों ही क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है उसको फॉलो, क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है, यानी कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ स्थायी है, आपका धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐधर वैधर ऐश्वर्य कुछ भी स्थायी नहीं है, और ना ही दुख तकलीफ कष्ट अभाव पीड़ा शोक चिंता अवसाद डिप्रेशन ये भी स्थायी नहीं है। तो जब ये स्थायी नहीं है दुख, तो उनके प्रति द्वेष के साथ, और सुख जो वो भी स्थायी नहीं है, तो उसके प्रति आसक्ति कैसी राग कैसा, तो दोनों में बैलेंस समत्वम भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिये सारी जो शिक्षाएं हैं हमारे दर्शन है उन सबकी शिक्षाएं एक जैसी ही है। तो अविद्या है यानी कि क्षणिकवाद को न मानना, सब कुछ ऐसा ही मानने लगेंगे तो दुख के प्रति द्वेष नहीं रहेगा और सुख के प्रति राग नहीं रहेगा। तो दुख का कारण क्या है, अविद्या। अब दुख का समुदाय क्या है, दुख का समुदाय है जन्म मरण रोग बुढ़ापा
ये क्या है, सब दुख का समुदाय है। जन्म मरण यानी कि जब हम जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेना मरना ये दुख का ही कारण है, रोगी होना, बुढ़ापा आना और किसी तरह की कमी आना, ये सब दुख का समुदाय कहे, यानी कि इन सबको लेकर के ये दुख का कारण कहे गए हैं। जन्म मरण जब तक होता रहेगा तो दुख होता ही रहेगा, यानी कि इन्होंने कहा कि जन्म मरण से मुक्ति होने के बाद ही आप दुखों से छूट सकते हैं। तो इसलिए जन्म मरण, रोग, बुढ़ापा, ये सब हमारे दुख का समुदाय यानी कि दुख का कारण कहे गए। अब दुख का निरोध कैसे है, दुख का निरोध हम कैसे करते हैं, यथार्थ ज्ञान से। अब यथार्थ ज्ञान क्या है उसका हम आगे वर्णन करेंगे, जो उनका जो मार्ग है। यथार्थ ज्ञान जब हो जाएगा, जब हम अविद्या को दूर कर देंगे, अविद्या को दूर करेंगे और क्षणिकवाद को मानने लगेंगे कि ये है, तो वो अपने आप ही दुखों को दूर हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशन जब दूर हो जाएंगी, जब सुख के प्रति तृष्णा हमारी समाप्त हो जाएगी, जब दुख के प्रति द्वेष हमारा समाप्त हो जाएगा, तो दुखों का निरोध हो जाएगा। अविद्या के दूर होने से ये होगा, यथार्थ ज्ञान करने से ये चीजें होंगी। तो दुख का निरोध भी है। अब दुख निरोध का मार्ग क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो बहुत क्वेश्चन भी आए हैं नेट के एग्जाम में, दुख निरोध मार्ग को क्या कहा यह भी पूछा जा सकता है कि, और दूसरा इसका है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कहें, ये देखिए अष्टांग योग से कितना जुड़ता है, अष्टांग योग है वो है महर्षि पतंजलि जी का, और आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग शब्द जहां पे आ जाए, आर्य और अष्टांगिक मार्ग वो बौद्ध का है, और जो केवल अष्टांग योग आता वो महर्षि पतंजलि जी का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, एक एग्जाम में आया हुआ था, पहला ही क्वेश्चन था कि आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है, तो सबने लिखा पतंजलि जी की देन है, महर्षि पतंजलि ऑप्शन में था, कंफ्यूज करने के लिए तो देंगे, लेकिन आर्य अष्टांगिक, आर्य जहां पे शब्द आ जाए तो आर्य सत्य किसकी देन है, बौद्ध दर्शन की है ना, और बौद्ध दर्शन किसका है, महात्मा बुद्ध का। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग बौद्ध है, अष्टांग योग जो है या अष्टांग मार्ग है उसको केवल पतंजलि जी का है, तो इसलिए आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो दुख निरोध का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध का मार्ग बताया गया, यानी कि वो क्या रास्ता है, वो क्या उपाय है, वो क्या मार्ग है जिसके ऊपर चल करके हम अपने दुखों का दूर कर सकते हैं, जिसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अविद्या से हम दूर हो सकते हैं, वो क्या चीज है। तो उसके लिए आठ अष्टांगिक मार्ग है, मैं अभी आपको लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए और इनको मेमोराइज भी कर लीजिए और इनको जीवन में भी आत्मसात करने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। ये आठ है जी, इनको नोट कर लीजिए, आठ अष्टांगिक मार्ग इनको कहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। तो ये चार आर्य सत्य हो गए, और
दुख निरोध मार्ग की हम बात करें तो दुख निरोध मार्ग में ही आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी कि आठ प्रकार के मार्ग को रखा है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को रखा गया है। अब विषय आता कि सम्यक क्या होता है। सम्यक होता है आपका उचित, या कहें उसको समान, या सबसे उपयुक्त कहें, उपयुक्त कहें, उचित कहें, यथार्थ कहें, यानी कि वास्तविक जो चीज होती है उसको सम्यक कहते हैं। इसको कहें सबसे उचित यानी कि श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट जो चीज है, या उसको कहें उचित, या कहें हम जिस प्रकार से सबसे ठीक जो चीज होती है, यथार्थ चीज को ही सम्यक कहा है, तो उचित को भी कहेंगे सम्यक। तो उचित दृष्टि, उचित संकल्प, उचित वाक, उचित कर्मार्थ, उचित आजीविका, उचित व्यायाम, उचित स्मृति, उचित समाधि होनी चाहिए। तो ये हो गया उचित का, सम्यक का मतलब। अब दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मार्थ, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि को भी जानेंगे, लेकिन इसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग को दो भागों में बांटा गया है, उसको दो दो चीजें कही, बहिरंग योग, बहिरंग और अंतरंग। यानी कि बहिरंग क्या है, बाहरी, यानी कि उसके जो अष्टांग योग है उसके पांच मार्ग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग कहा है। और दूसरा अंतरंग योग किसको कहा है, धारणा, ध्यान, समाधि, तीन को अंतरंग योग कहा। तो अष्टांग योग को दो मार्ग में बांटा है, तो इसको तीन मार्ग में बांटा है, जो आपकी सम्यक दृष्टि है और सम्यक संकल्प है जिसको प्रज्ञा में रखा गया है, और जो आपकी सम्यक वाक है, आजीविका है और व्यायाम तक, ये चार है, इनको रखा है शील में, और जो सम्यक स्मृति और समाधि है इसको रखा है समाधि में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उनकी कैटेगरी क्या है, उनको कितने भागों में बांटा, तीन, प्रज्ञा, शील, समाधि। तो प्रज्ञा में पहले दो को रखा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को, जो शील है उसमें वाक, कर्मार्थ, आजीविका और व्यायाम को रखा है, समाधि में स्मृति और समाधि को रखा गया है। अब इनको एक एक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सम्यक दृष्टि क्या होती है, सम्यक दृष्टि होती है कि यथार्थ ज्ञान मानना, यथार्थ जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना, उसके यथार्थ स्वरूप को मानना। तो दृष्टि का क्या है, यथार्थ यानी कि विद्या, यानी कि सत्य, यानी कि वास्तविकता। तो अपनी दृष्टि ऐसे रखनी है जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, यथार्थ मानना, विद्या को आधार के आधार पे उसको मानना, सत्य के आधार पे मानना, वास्तविकता के आधार पे मानना। यानी कि हमेशा अपनी दृष्टि उचित दृष्टि रखें, किस प्रकार रखें, विद्या के प्रति, सत्य के प्रति, वास्तविकता के प्रति, यथार्थ ज्ञान के प्रति हम अपनी दृष्टि रखें, तो उसको कहेंगे सम्यक दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। तो पहला ये हो गया। उसके बाद संकल्प, संकल्प का मतलब होता है निश्चय करना, दृढ़ निश्चय उसको कह सकते हैं कि मुझे आर्य अष्टांगिक मार्गों पे चलना है। इसके लिए जो निश्चय होता है वो संकल्प के दौरान होता है, पर संकल्प बद्ध होना चाहिए कि मैं इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलूंगा, जो यथार्थ है, जो विद्या है, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसी को मैं मानूंगा, इसका मैं निश्चय करूं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इन चीजों को ही आधार मानूंगा अपने जीवन में, और इनको आधार मानूंगा तो मैं कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चल सकता। इसलिए दृढ़ निश्चय संकल्प की बात महात्मा बुद्ध करते हैं। इसके बाद समय वाक, वाक यानी कि प्रिय बोलना, कठोर न बोलना, बुरा नहीं बोलना, जो शब्द किसी को अप्रिय लगते हैं वो ना बोलना, प्रिय बोलना, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करना, और जो सही है वही बोलना, लेकिन किसी को कर्ण को अप्रिय लगे या किसी को गलत लगे, बदला लगे, वैसी चीज ना बोलना ही क्या कहलाती है, वाक यानी कि प्रिय बोलना, कठोर न बोलना, उसमें कहते हैं समय वाक, वाक के कह के हलन टाइगर। उसके बाद समय कर्मांत, कर्मांत यानी कि अच्छे कार्य करना, बुरे कर्मों का त्याग करना। आप हैंडराइटिंग के लिए तो मुझे गालियां दोगे, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, इतनी अच्छी नहीं है बोर्ड पे, वैसे भी अच्छी नहीं है मेरी हैंडराइटिंग, लेकिन आप समझ लो, आप ये कोई नहीं, अच्छे कर्मों करना, बुरे कर्मों का त्याग करना, ये है कर्मांत में। आजीविका है सम्यक आजीविका, यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आजीविका कमाना, यानी कि कर्तव्य कर्म पे चलते हुए पाप की कमाई को ना लेना, केवल पुण्य की कमाई, यानी कि जो आपने मेहनत की है, जो आपने काम किया है,
उसी की आप कमाई ले रहे हैं, उसी की कमाई आप खा रहे हैं, उसको बोलते हैं सम्यक आजीविका, यानी कि ईमानदारी के साथ अपना काम करना और ईमानदारी के साथ धन का उपार्जन करना। अब इसके बाद सम्यक व्यायाम है। यहाँ व्यायाम का अर्थ ये नहीं कि हम डंबल लगाएंगे या शारीरिक व्यायाम, यहाँ पे कहा गया कि मन को नियंत्रण में करने के जितने भी उपाय हैं उनका बार बार पालन करना। व्यायाम का मतलब है मन को नियंत्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए सारे जो अभ्यास है उनको बार बार अप्लाई करना, उसका अभ्यास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है जितनी भी अच्छी चीजें आपने सीखी हैं, जो भी यथार्थ ज्ञान आपने सीखा है, विद्या है, सत्य है, वास्तविकता है, उसको याद रखना। स्मृति का मतलब क्या है? याद रखना, उसको भूलना नहीं है। क्या सही है क्या गलत है इसको हमेशा याद रखना सम्यक स्मृति में आता है। और समाधि यानी कि मुक्ति। यहां पे मुक्ति को क्या कहा गया है? निर्वाण। ये खास बात है कि मुक्ति को निर्वाण कहा गया है, समाधि को, ये समाधि का ही पर्यायवाची है, तो समाधि का मतलब है निर्वाण। तो ये यहां पे बात की गई है पूरा बौद्ध दर्शन में। तो एक एक बहुत अच्छा इसका श्लोक है, वो भी मैं एक बार लिख देता हूं। आत्म दीपो भव, अपने अपनी तरक्की का, अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए स्वयं प्रयास करो, अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी रोशनी स्वयं पैदा करो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसका मतलब होता है आत्म दीपो भव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है या श्लोक कहें या कोटेशन कहें बौद्ध दर्शन की, जो कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है आत्म दीपो भव किसका शब्द है? महात्मा बुद्ध का शब्द है, महात्मा बुद्ध ने इसको फॉलो किया। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने प्रकाश, अपने दीपक, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनो। उसका मतलब है आत्म दीपो भव, खुद अपने दीपक बनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। चार आर्य सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख निरोध मार्ग किसे कहा गया? आर्य अष्टांगिक मार्ग को कहा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुख निरोध का मार्ग को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है। इसमें आठ है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये किस प्रकार से है? सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? यथार्थ, विद्या, सत्य, वास्तविकता। संकल्प का क्या है? इनको पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय करना। वाक यानी कि प्रिय बोलना, कठोर वाणी का प्रयोग न करना। कर्मांत का मतलब अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों का त्याग करना। आजीविका का मतलब ईमानदारी से मेहनत करके कमाना। व्यायाम का मतलब मन को नियंत्रण करने का अभ्यास करते रहना। स्मृति का मतलब है इन सब चीजों को याद रखना। समाधि का मतलब है निर्वाण यानी कि समाधि। इस प्रकार की बात सांख्य दर्शन में कही गई, बौद्ध दर्शन में कही गई है। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मैं लूंगा। आप सब अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कोई मिस्टेक है तो मुझे बता सकते हैं, या कुछ और चीज ऐड की जा सकती है वो मुझे बता सकते हैं, या कोई और आपकी चीज है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। तो आप सबने व्याख्यान को सुना, बहुत धन्यवाद। अगर व्याख्यान पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा सब लोगों को। अच्छी चीज का प्रचार होना चाहिए और बुरी चीज को का प्रचार नहीं होना चाहिए। आज विडंबना यही है कि बुरी चीजों का प्रचार बहुत ज्यादा है, गलत चीजों के लाखों लाखों व्यू होते हैं और अच्छी चीजों के कुछ सौ कुछ हजार व्यू होते हैं। तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी चीज का प्रचार प्रसार ज्यादा हो और गलत चीज का प्रचार बिल्कुल ना हो, उसको कंडम करें, स्ट्रॉन्गली कंडम करना चाहिए। तो उसमें हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है? हमें जो अच्छी चीज लगती है उसको हम दूसरों को प्रचारित करते हैं ताकि दूसरा भी उससे लाभ उठा पाए। इस प्रकार के भाव के साथ आपको हमेशा ही किसी चीज को शेयर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरी चीज को ही शेयर करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अच्छी लगती हो, लगता है कि मेरे काम की है तो किसी दूसरे के काम भी हो सकती है, तो ही शेयर करिएगा, तो ही पूरा उसको प्रचार करिएगा। और जो चीज आपको लगता है कि बुरी है उसको बिल्कुल भी प्रचारित मत करिएगा। कोई कितने रिक्वेस्ट करे, कुछ भी करे, और उसको कंडम करना चाहिए, यही हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो बौद्ध दर्शन की हमने बात की, महात्मा बुद्ध की, सिद्धार्थ, यशोधरा, राहुल, छठी शताब्दी हिमालय की तराई में उनका जन्म हुआ, राजवंश में हुआ, बुढ़ापे को, रोग को, मृत्यु को देख करके उनको वैराग्य हुआ और वैराग्य से उन्होंने घर त्याग दिया। रात को चले गए घर परिवार बच्चे को छोड़ करके सत्य की खोज में, और जब उनको सत्य हुआ तो उनको पता चला कि चार आर्य सत्य है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध, दुख का निरोध है और दुख के निरोध उपाय के मार्ग हैं, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। उनकी बात की हीनयान, महानयान, दो संप्रदाय हैं। हीनयान
एडिटीज फॉलो करता है महात्मा बुद्ध जी को, और महाज्ञान जो है वो फॉलो करता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। क्षणिकवाद इसमें है कि ऐसा कुछ अस्थाई है। उसके बाद हमने बात की अनिश्वरवाद की, अनात्मवाद की, कि ईश्वर और आत्मा नहीं है, वो उनकी कोई सत्ता नहीं है। महाज्ञान मानता है कि इनकी सत्ता है, ईश्वर भी है और आत्मा भी है। दूसरी बात करें जो महाज्ञान है वो चीन, जापान और आपका कोरिया में फैला हुआ है। जो अहिंज्ञान है वो आपका बर्मा में और श्रीलंका में फैला हुआ है। ये कुछ कंसेप्ट मैंने किया। आत्मदीपोभव यानी कि अपना प्रकाश, अपनी ज्योति, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आप को स्वयं प्रकाशित करो, इसकी बात हमने इसमें कही। तो मुझे लगता है यही चीजें हमने परिभाषित की, तो एक सार रूप में भी मैंने आपको लास्ट में बताने का प्रयास किया। आशा कि आपको समझ आया होगा। अब आप सबके क्वेश्चन लेंगे, आपके साथ वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक सेकंड के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ डायरेक्शन। जी जी